हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग वीवी डॉट नेट के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ एरर का और बग्स का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो बिना देर किए वह शुरू करते हैं। देखिए, एक्सेप्शन क्या होता है ये जानने से पहले आप ये जानें कि एरर और बग जो है वो क्या होती हैं, क्योंकि यदि आपका बैकग्राउंड जो है प्रोग्रामिंग में नहीं हो तो इन दोनों टॉपिक्स को समझना भी ज़रूरी है। पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि हमारे सभी प्रोग्राम्स बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं एक आध पुराना प्रोग्राम यहाँ से ओपन करता हूँ, जैसे कि ये हमने यहाँ पे console.write hello लिख के ये प्रोग्राम बनाया था। इसे मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके सेट कर देता हूँ और आपको यहाँ पर एक एरर जनरेट करके दिखाता हूँ। यदि मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट भी हटा दूँ तो इस ब्रैकेट को हटाने से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक लाइन आ गई है और यहाँ पे कॉमा लगाने के लिए ये जो कंपाइलर है हमें फोर्स कर रहा है। तो जो एरर जनरेट करने वाले होते हैं ये कौन होते हैं? इन्हें एक तो हम बोलते हैं कंपाइलर, जो कि पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करते हैं, और दूसरे होते हैं इंटरप्रेटर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो vb.net होता है इसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों लगे होते हैं। इंटरप्रेटर का काम होता है कि प्रत्येक लाइन में एरर को चेक करना, उसके बाद में जब सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएं तभी ये आपके प्रोग्राम को एरर फ्री करता है। अदरवाइज़ ये आपको बताते रहेगा बीच बीच में कि आपके इस लाइन में सिंटैक्स एरर है या फिर लॉजिकल एरर है। अब सिंटैक्स एरर किसको बोलते हैं? जब आपको जो चीज़ जिस तरीके से लिखनी हो कि आपको हेलो जो है डबल कोटेशन मार्क के अंदर में ही लिखना है, और यदि आपने इसको नहीं लिखा तो इसे हम सिंटैक्स एरर कहेंगे। लॉजिकल एरर वो एरर होती है कि जब आपने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, डिम ए एज इंटीजर और मान लीजिए आपने लिखा कॉमा करके डिम बी एज इंटीजर, तो यहाँ पे जो आप बात है देख रहे हैं कि डिम हमने दो बार इस्तेमाल किया है, तो ये भी एक तरीके का सिंटैक्स एरर ही कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिम का इस्तेमाल आपको केवल एक बार करना है, डिम का इस्तेमाल आपको दो बार नहीं करना है सेम लाइन पे। तो यहाँ पे ए एज इंटीजर एक आपने लिख दिया, फिर कॉमा करके आपको डायरेक्टली लिखना है बी एज इंटीजर, तो ये भी सिंटैक्स एरर का दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए लेकिन ए और बी को इस्तेमाल नहीं किया है, तो हमें इंटरप्रेटर बता रहा है कि ए और बी अभी हम इस्तेमाल नहीं किए हैं, जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये यूज़लेस है और इसे यहाँ पे डिक्लेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यदि मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन, और यहाँ पे मैसेज देता हूँ कि ए इज़ बिग, तो यहाँ पे मैं अंदर लिख देता हूँ ए इज़ बिग। अब देखिए, यहाँ पे हमें लग तो रहा है कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है, इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो ये रन भी हो जाएगा। यहाँ पे हेलो प्रिंट हो रहा है और ये जो पोर्शन है ये प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अब यदि मैं ए को वैल्यू दे देता हूँ ए इक्वल टू ज़ीरो और बी इक्वल टू ज़ीरो, अब इसे रन करके हम देखते हैं तो भी यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये क्या है? फॉल्स है, मतलब ए का मान जो है वो बी से बड़ा नहीं है। अब यदि मैं ए का मान को बड़ा कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, और बी का मान को कितना रहने देता हूँ? 0 रहने देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि ए इज़ बिग के बाद में हेलो प्रिंट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये काम करने लग गया। तो यहाँ पे लॉजिकल एरर किस तरीके से आप समझेंगे उसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं बोलता रहा हूँ कि ए इज़ ग्रेटर देन बी लेकिन लिख रहा हूँ ए इज़ लेस देन बी, तो ये हमारे लॉजिक की प्रॉब्लम हो गई कि हम बोल तो रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी लेकिन लिख रहे हैं ए इज़ लेस देन बी। तो इस तरीके के एरर को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एरर। जब आपके लॉजिक में गलती हो जाती है तो उसे हम लॉजिकल एरर कहते हैं, और इस लॉजिकल एरर की वजह से आपके प्रोग्राम में आउटपुट जो है वो नहीं आता, क्योंकि हम ये सोच के रह बैठे हैं कि हमने ए इज़ ग्रेटर देन बी लिखा है और प्रोग्राम को जब हम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारे लॉजिक के अनुसार नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा लॉजिक ही गलत है। तो जब आपके लॉजिक में प्रॉब्लम होता है और प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आता है तब हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम बग कहते हैं। तो ये जो बग है ये लॉजिकल एरर की वजह से रेज होता है, मतलब उठता है। और एरर जो है ये दो प्रकार के होते हैं, हमने देखा, एक होता है सिंटैक्स एरर और दूसरा होता है लॉजिकल एरर।
तो ये दो प्रकार के एरर हैं, इसके बारे में आप और एक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं इंटरनेट से, और किताब में आपको एरर के बारे में मिलेगा, या आप इंटरनेट से भी इसकी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब बारी आती है कि एक्सेप्शन किसको बोलते हैं। तो देखिए, एक्सेप्शन जो है वो केवल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो जब आप प्रोग्राम बनाते हैं उसके आउटपुट के दौरान उत्पन्न होती है। मतलब आपका यहाँ पे प्रोग्राम बन चुका है, बनने के बाद जब आप उसे रन करना चालू कर दिए हैं तब यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो रही है तभी हम उसे एक्सेप्शन कहेंगे। एक्सेप्शन का डिज़ाइन टाइम से कोई लेना देना नहीं है। एरर और बग जो है वो डिज़ाइन टाइम में, मतलब एरर जो है और बग जो है वो डिज़ाइन टाइम में ही बनाई जाती हैं, लेकिन प्रोग्राम बनने के बाद में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे जब हम रन करेंगे तो रन करने के वक्त अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन को पहले समझ लेते हैं फिर इसका एक उदाहरण देखेंगे। देखिए, एक्सेप्शन एक असाधारण मतलब एबनॉर्मल परिस्थिति की प्रक्रिया है जो किसी कार्यक्रम को चलाने के दौरान उत्पन्न होती है। जैसे शून्य से क्या करना, विभाजित करने का प्रयास करना। यदि आप प्रोग्राम में किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं क्या करता हूँ, ए का बी का मान तो आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ ए डिवाइडेड बाई बी, और इसे स्टोर कर लेता हूँ रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, और यहाँ पे एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेता हूँ रिजल्ट एज इंटीजर। तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई बी है और मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूँगा रिजल्ट को, तो यहाँ पे मैं एक मैसेज दे देता हूँ कि रिजल्ट इज इक्वल टू और m% रिजल्ट। तो यहाँ पे कोई एरर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, b का मान रखा हुआ है 0 और क्या कर दिया, a डिवाइडेड बाई b। अब हम इसे रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्शन आ गया। तो यहाँ पे हमको अब बताया जाएगा कि आप क्या नहीं कर सकते। आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि ये जो है इन्फिनिटी हो जा रहा है, और यहाँ पे आप यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है, पहले इसे कर लेते हैं। अब इसे रन करने की कोशिश करते हैं तो देखिए रन करने के बाद में आपके पास में क्या आया, ओवरफ्लो एक्सेप्शन वॉज अनहैंडल्ड। तो यहाँ पे आपको लिखा है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो रिजल्ट क्या किया, ओवरफ्लो कर दिया। मतलब आप ऐसा काम नहीं कर सकते। आपने देखा यहाँ पे रन करने के बाद में, रन करने के पहले तक आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी, कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आप इसे रन करते हैं तब क्या हो जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ओवरफ्लो एक्सेप्शन अनहैंडल्ड है, इसे हैंडल नहीं किया जा सका। तो हमने देखा कि जैसे शून्य से विभाजित करने का प्रयास हम करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन को हिंदी में अपवाद कहते हैं। अब आगे, एक्सेप्शन प्रोग्राम के एक भाग से दूसरे में नियंत्रण स्थानांतरित करने का एक तरीका प्रदान करता है। मतलब यदि आपको लग रहा है कि एक्सेप्शन आ सकता है तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम के कंट्रोल को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है आपको एक्सेप्शन के द्वारा मिलता है। VB.NET में एक्सेप्शन हैंडलिंग 4 कीवर्ड के द्वारा की जाती है। ये 4 कीवर्ड कौन कौन से हैं, ट्राई, कैच, फाइनली और थ्रो। इन सभी के एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं ट्राई क्या करता है, फिर इन चारों कीवर्ड का मतलब देखेंगे, फिर हम इसका सिंटैक्स देखेंगे कि इसे कैसे बनाया जाता है। तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। हम कोशिश क्या करेंगे कि ट्राई ब्लॉक में एक कोड को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे ट्राई का एक ब्लॉक बनने वाला है। ये आप सिंटैक्स देख लीजिए, नीचे यहाँ पे मैंने बना के रखा है कि ट्राई में हम क्या करेंगे कि जो चीज़ हमें ट्राई करनी है उसे हम इसके अंतर्गत लिखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो ट्राई है यदि मान लीजिए ये पहचान कराएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, और यदि प्रॉब्लम हो सकती है तो हम क्या करेंगे, इसे कैच करने की कोशिश करेंगे। तो जब ट्राई क्या करेगा, पहचान कर लेगा कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ थ्रो कर देगा, इसे कैच ब्लॉक में थ्रो कर देगा। अब कैच का काम क्या होता है, कैच जो है वो ट्राई से भेजे हुए चीज़ को पकड़ता है। यह एक प्रोग्राम का एक्सेप्शन हैंडलर है, मतलब ये हैंडल करने वाली चीज़ है, और एक्सेप्शन के प्रोग्राम में उस स्थान पर पकड़ता है जहाँ पे आप समस्या को संभालना चाहते हैं। मतलब जहाँ पे आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम हो सकती है तो कैच जो है वो आपके काम आएगा, वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पकड़ लेगा। तो कैच कीवर्ड एक्सेप्शन को पकड़ने का संकेत भी देता है। फिर आता है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है अंततः, मतलब अंत में। तो आपने ट्राई कर लिया, आपने पकड़ भी लिया, कैच भी कर लिया, अब फाइनली यदि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप उसे फाइनली ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। तो फाइनली ब्लॉक का उपयोग दिए गए स्टेटमेंट्स को
एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है, चाहे एक्सेप्शन थ्रो किया जाए या ना किया जाए। तो यदि आप यहाँ से किसी एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे हैं तो वो थ्रो ब्लॉक में जाएगा, यदि आप कैच कर रहे हैं तो वो कैच ब्लॉक में आएगा, लेकिन फाइनली जो है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, भले ही आप उसे कैच करें या थ्रो करें या कुछ भी करें। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, उदाहरण के लिए यदि आप कोई फाइल खोलते हैं तो उसे बंद कर दिया जाना चाहिए चाहे वो एक्सेप्शन रेस किया हो या ना। मतलब आप जो फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे आगे vb.net में, तो अब हम उस पर फाइल को ओपन करेंगे, लेकिन फाइल को ओपन करना है तो उसे बंद करना तो ज़रूरी है। तो भले उसमें एक्सेप्शन आ रहा हो या ना आ रहा हो, मतलब फाइल को ओपन करने में भी किसी न किसी तरीके के एक्सेप्शन आ सकते हैं, फाइल हैंडलिंग के एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो अगर फाइल हैंडलिंग को फाइल हैंडल करते वक्त आपके पास में कोई एक्सेप्शन आता है या नहीं आता है, उसे बंद करना तो ज़रूरी है। तो फाइनली हम फाइनली ब्लॉक के अंदर क्या करेंगे, फाइनली ब्लॉक के अंदर उस फाइल को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण देखेंगे, आगे थ्रो ब्लॉक भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, कि थ्रो ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है कि जब एक प्रोग्राम एक्सेप्शन को थ्रो करता है तो प्रॉब्लम दिखाई देती है, या थ्रो कीवर्ड के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सभी के उदाहरण अब हम आगे देखेंगे, तो ये चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस नोट्स को बना सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये सारे नोट्स को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, तो आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अब ये एक्सेप्शन के प्रकार हैं, और इन एक्सेप्शन के प्रकार के द्वारा हम एक्सेप्शन को हैंडल करने वाले हैं। तो ये इसका सिंटैक्स है ट्राई और एंड ट्राई का, और इसी के अंतर्गत ट्राई, कैच और फाइनली आपके जितने कीवर्ड्स हैं वो सब के सब यहाँ पे आते हैं। इसका मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल जो है ये आपके स्क्रीन के सामने रहा, और मैं बेहतर होगा कि सीधा सीधा ये जो प्रोग्राम बना हुआ है आपको सीधा मैं ले चलता हूँ visualstudio.net में, और यहाँ पे इसे तो मैं बंद कर देता हूँ, डिबगिंग भी स्टॉप कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन के दो प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, तीन वेरिएबल्स लिए हैं ए, बी और रिजल्ट। यहाँ पे हमने कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा है कि इंटर टू नंबर्स, फिर हमने लिखा है कि ए इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन और बी इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं ये क्या करेंगे, ये दो वेरिएबल्स को रीड करेंगे। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्राई रिजल्ट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बी। आपको एक बात का ध्यान रखना है, नॉर्मली जो हम सी प्रोग्रामिंग में डिवाइड का साइन लगाते हैं वो नॉर्मल इस तरीके से लगता है, लेकिन vb.net में आपको साइन जो है इस प्रकार का ही लगाना है। यदि आप ऐसा लगाएंगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डिवाइड का जो सिंबल है वो आपको फ्रंट स्लैश लगाना है, ना कि बैक स्लैश। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्राई किया रिजल्ट इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी करने का। अब ट्राई हमने कर लिया, यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है जब हम क्या देंगे, इसका मान जीरो दे देंगे, और हम जानबूझ के जीरो देंगे। तो जब जीरो देंगे रन टाइम पे तो यहाँ पे एरर जनरेट होगी, एरर जनरेट होगी तो वो कहाँ पे जाएगा, कैच ब्लॉक में जाएगा। तो कैच ब्लॉक में हम क्या कर रहे हैं, ई क्या है, यह सिस्टम के द्वारा जनरेट किया गया एक क्लास है, डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन के अंतर्गत एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिवाइड बाई ज़ीरो एक्सेप्शन को सपोर्ट करता है, और यहाँ पे जो भी मैसेज है उसे हम प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, किसके द्वारा, इस ई के द्वारा। तो कैच जो है एरर को कैच करेगा, एक्सेप्शन को कैच करेगा, कैच करने के बाद हमें ये मैसेज देगा। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी एरर आएगी तभी ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ पे आपको कोई इफ स्टेटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिसमें एक्सेप्शन आ सकता है। तो वो लाइन कौन सी है, डिवाइड करना, और किससे डिवाइड करना, जीरो से डिवाइड करना। तो जब हम यहाँ पे बी का मान जीरो देंगे ये जो ब्लॉक है ये तभी एग्जीक्यूट होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इतना हम पहले करके देखते हैं, उसके बाद में फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनली कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इज इक्वल टू, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसे प्रिंट कर देगा। तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे ए दिया और बी दिया और बी का मान जीरो दिया, तो फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू क्या प्रिंट हो जाएगा, जीरो। तो इसे हम रन करके देखते हैं, पहले जाके प्रोजेक्ट में इसे हम चुन लेते हैं, एक्सेप्शन नाम है इस मॉड्यूल का, और इसे हम रन करते हैं। रन करने के बाद एंटर टू नंबर्स मैसेज आ रहा है, यहाँ पे हम देंगे 5 और दूसरा देंगे 0। तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अटेम्प्ट टू डिवाइडेड बाई 0। तो आप पूरे प्रोग्राम में देखेंगे कि अटेम्प्टेड टू डिवाइड बाई 0 कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बिना लिखे ही ये चीज़ इसलिए आ रही है क्योंकि ये मैसेज जो है ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर में, इस ई डॉट मैसेज, मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में क्या है, स्टोर्ड है। और यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स देता हूँ जिसे डिवाइड किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए रिजल्ट कितना आया, 0 आया, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। और आप यदि यहाँ पे रिजल्ट का प्रकार बदल के सिंगल कर देते हैं, तो आपके सामने यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, सिंगल सिंगल कर देते हैं,
तो सिंगल करने से क्या होगा, इसका जो डेटा टाइप है फ्लोटिंग पॉइंट हो जाएगा और यहाँ पे आपके सामने जो रिजल्ट प्रदर्शित होगा वो दशमलव में भी आ सकेगा। तो देखिए एक बार, 5 / 4 रिजल्ट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो डेसिमल में प्रिंट करने के लिए यहाँ पे आप जो रिजल्ट है इसका लिखने का तरीका दूसरा होता है, वो हम अगले किसी प्रोग्राम में देखेंगे। तो फिलहाल आपको समझ में आया होगा कि ट्राई ब्लॉक कैसे काम करता है, कैश ब्लॉक कैसे काम करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थ्रो ब्लॉक देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने फिर से एक प्रोग्राम बना के रखा है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग का, ये वाला। यहाँ पे हमने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है, इसमें हमने इफ़ स्टेटमेंट का भी प्रयोग किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले मॉड्यूल के अंदर में एक क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम, हमने एक नई क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है ज़ीरो एक्सेप्शन। मतलब यहाँ पे हम अपना खुद का एक एक्सेप्शन बना के देखेंगे और खुद का एक मैसेज भी बनाएंगे। तो इस क्लास का नाम है ज़ीरो एक्सेप्शन, जो कि इनहेरिट कर रहा है किसको, एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास को। तो इस एप्लीकेशन एक्सेप्शन क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो किसके पास आ जाएंगी, ज़ीरो एक्सेप्शन के पास आ जाएंगी। मतलब देखिए, हम खुद की एक क्लास बना रहे हैं जो vb.net की क्लास का पूरी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, एक्सेस करने का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे एक सबरूटीन बना रहे हैं, पिछली क्लास में हमने प्रोसीजर बनाना सीखा था। इस प्रोसीजर का नाम है मैसेज और इसका नाम हम रख दे रहे हैं स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं mybase.newMessage। तो इससे क्या होगा, इसके जितने भी मैसेजेस हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, mybase के अंदर आ जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, क्लास एक नया क्लास बना रहे हैं टेम्परेचर। चूँकि vb.net एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला उदाहरण है, समझ लीजिए। अब हम यहाँ पे टेम्परेचर नाम की क्लास बना रहे हैं और टेम्परेचर को हम क्या दे रहे हैं, ज़ीरो दे रहे हैं। इसकी जो वैल्यू है कितना दे रहे हैं, ज़ीरो दे रहे हैं। यहाँ पे टेम्परेचर क्लास है और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो एक वेरिएबल है। दोनों का स्पेलिंग में आप ध्यान देंगे, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, यहाँ पे कैपिटल लिखा है। तो ये क्लास हो गई और ये एक वेरिएबल हो गया। फिर हम एक फंक्शन बना रहे हैं जिसे हम सब रूटीन कहते हैं, शो टेम्परेचर। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये केवल काम करेगा। तो टेम्परेचर को हम दे रहे हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, तो ये टेम्परेचर को रीड करेगा। यदि टेम्परेचर ज़ीरो देते हैं तो यहाँ पे थ्रो लिखा हुआ है। तो ये देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को ज़ीरो देंगे तो यहाँ पे थ्रो स्टेटमेंट क्या करेगा, सीधा थ्रो में जाएगा और जो भी एक्सेप्शन है उसे प्रिंट कर देगा। तो हमने एक्सेप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है ज़ीरो एक्सेप्शन के अंदर में, ज़ीरो टेम्परेचर फाउंड। और या फिर क्या करेगा, ये राइट लाइन टेम्परेचर जो भी होगा उसे क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो टेम्परेचर को इस तरीके से प्रिंट कराया जा रहा है। अब हम आते हैं मेन फंक्शन में। यहाँ पे हमने क्या किया है, टेम्प एस टेम्परेचर नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया है। इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया है और इसमें क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका होता है ये, डिम टेम्प एस टेम्परेचर इज इक्वल टू न्यू टेम्परेचर, ये आपको लिखना रहता है। उसके बाद में हम ट्राई कर रहे हैं टेम्प डॉट शो टेम्प। तो ये शो टेम्प किसका है, इस क्लास का एक सबरूटीन है, तो इसे हम इन्वोक कर रहे हैं। इन्वोक करने से क्या होगा, ये टेम्परेचर को इन्वोक करेगा। फिर हम कैच यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि टेम्परेचर अगर ज़ीरो है क्या, अगर टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो ये कैच होगा, क्योंकि फाइनली हमें क्या करना है, कैच तो करना ही है। और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एंड ट्राई कर देते हैं। तो इस प्रोग्राम में होगा ये कि प्रोग्राम स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, ये टेम्प के शो टेम्प को एग्जीक्यूट करेगा। शो टेम्प क्या करेगा, चेक करेगा कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़ीरो है क्या, ज़ीरो है तो यहाँ पे थ्रो हो जाएगा। थ्रो अगर मान लीजिए नहीं होना है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ज़ीरो वैल्यू नहीं दी है। फिर ये आपके सामने एक्सेप्शन जो भी आएगा उसे प्रिंट करेगा। तो इसे रन करने के लिए हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे एक्सेप्शन टू को सेलेक्ट करते हैं और प्ले करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमें टेम्परेचर इनपुट करना है। आप अगर ज़ीरो देंगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ज़ीरो एक्सेप्शन का, ज़ीरो टेम्परेचर फाउंड। और यदि आप क्या करते हैं, आप करते हैं कि आप कोई भी दूसरा टेम्परेचर देते हैं, वो चाहे 58 डिग्री सेल्सियस हो, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा। तो ये थे आपके तीन चीज़ें, सबसे पहला था आपका एरर, दूसरा था आपका एक्सेप्शन बग, और तीसरा था आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे की जाती है, ट्राई कैश फाइनली और थ्रो ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो कैसे किया जाता है, इतने प्रकार के आपके पास में एक्सेप्शन है जिसमें से हमने डिवाइड बाई ज़ीरो का केवल इस्तेमाल देखा, इन सभी के इस्तेमाल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जिस जिस प्रकार के आपके सामने आगे प्रोग्राम आते जाएंगे, जैसे अरे से संबंधित कोई एरर आ सकती है आपको लगता है, तो आप उस अरे को ट्राई ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे। यदि आपको फाइल हैंडलिंग से कोई संबंधित प्रोग्राम समझ में आता है तो आप उसे फाइल के अंदर लिखेंगे।
इनपुट आउटपुट के अंदर लिखेंगे। और उसी प्रकार यदि आप स्टैक की कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप स्टैक के अंदर इस तरीके से लिखेंगे। और इस क्लास को जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन को इम्पोर्ट किया था एक्सेप्शन वाले प्रोग्राम में, उसी तरीके से आप बाकी सभी प्रोग्राम को इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कैच ई एस डिवाइड बाय ज़ीरो एक्सेप्शन लिखा है, आप यहाँ पे स्टैक लिख सकते हैं, आप यहाँ पे इनपुट आउटपुट लिख सकते हैं, और ट्राई के अंदर में आप अपना जो भी सुविधा अनुसार कार्य हो कर सकते हैं। तो यदि आपको लेक्चर समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक बटन दबाएँ और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि इसका कोई और एग्जांपल आप चाहते हैं, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे उसे अपलोड करने का। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।